नंदा का जन्म 8 जनवरी 1939 को हुआ था। नंदा एक अभिनेत्री थी जो मोहब्बत, इसको कहते हैं असीता असीता और इत्तेफाक के लिए मशहूर थी। उनकी मृत्यु 25 मार्च 2014 को हुई थी। जब जब फूल खिले फिल्माकांड के दौरान एक बहुत ही सुंदर महाराष्ट्रीयन करनाल नंदा की सुंदरता से प्रभावित हो गया और उसे ने नंदा की मां के पास अपनी शादी का प्रस्ताव भेजा, लेकिन अंत में कुछ नहीं हुआ। अभिनेता शशि कपूर ने उनके साथ कई फिल्मों में काम किया, जिनमें सबसे प्रसिद्ध सुपरहिट फिल्म जब जब फूल खिले थी। बाद में उन्होंने कहा कि वह उनकी पसंदीदा नायिका थी, वह उनके प्रति आभारी थे क्योंकि जब वह एक अज्ञात अभिनेता थे तब वह उनके साथ अभिनय करने के लिए सहमत हुई थी, तब वह एक स्टार थी। उन्होंने यह भी महसूस किया कि नंदा उनके साथ अत्यंत दयालु और सभ्य थी क्योंकि वह एक विवाहित व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने उनसे कई शिकायत नहीं की। एक बच्ची के रूप में उन्हें घर पर प्रसिद्ध स्कूल शिक्षण और स्काउट कमीशन गोकुलदास विश्वलमा मक्खी ने पढ़ाया था। नंदा 1960-1965 तक नूतन के साथ दूसरी सबसे अधिक भुगतान पाने वाली हिंदी अभिनेत्री और 1967-1969 में नूतन और वहीदा के साथ दूसरी सबसे अधिक भुगतान पाने वाली हिंदी अभिनेत्री है। 1970-1973 तक सदना के साथ तीसरी सबसे आधुनिक भुगतान पाने वाली हिंदी अभिनेत्री थी। वह मराठी, हिंदी और अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में पारंगत थे। वह 5 अन्य अभिनेत्री मित्रों के समूह में संबंधित है जो नियमित रूप से दोपहर के भोजन और अन्य गतिविधियों के लिए मिलते हैं, जिनमें वहीदा रहमान, आशा पारेख, साधना शिवदासानी, हेलेना और शम्मी शामिल है। वह अभिनेत्री सायरा बानो और उनकी पति दिलीप कुमार से मिलने के उनके घर भी जाती है। अभिनेता निदेशक मास्टर विनायक और गृहिणी मीनाक्षी कर्नाटक की बेटी है, जिन्हें सुशीला के नाम से भी जाना जाता है, और अभिनेत्री मीनाक्षी से भ्रमित नहीं होना चाहिए क्योंकि श्रीमती कर्नाटक की कभी फिल्मों के काम नहीं किया। सत्याराम राजा राम मनाकुंद्रे की परोपति अपनी मृत्यु के समय नंदा की सगाई फिल्म निर्माता मनमोहन देसाई से हुई थी। उनकी सबसे अच्छी दोस्त अभिनेत्री वहीदा रहमान है और उन्होंने काला बाजार में एक साथ अभिनय किया था। बॉक्स ऑफिस पर राजेश तक के बढ़ाते कम में सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ इत्तेफाक दे ट्रेन और जोरू का गुलाम में मुख्य नायिका के रूप में उनके करियर में अंत में उनकी सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्में आई। इन फिल्मों में शशि कपूर, राजेंद्र कुमार, देवा आनंद, संजीव कुमार और जितेंद्र के साथ उनकी पिछली हिट फिल्मों से अधिक कमाई की। उनका पसंदीदा गाना जो उन पर फिल्माया गया था वह हिट फिल्म जब जब फूल खिले का ये शाम था। अभिनेत्री जयश्री टिकी भाभी ने नंदा के भाई निदेशक जट प्रकाश से शादी की है। निर्माता सीवी के शास्त्री की भाभी उनकी शादी नंदा की बड़ी बहन मीना से हुई है। सभी प्रमुख फिल्म निर्माता इस बात पर सहमत थे कि वह एक साधारण नाटकीय अभिनेत्री थी और जब दुखद भूमिका निभाने की बात आती थी तो वह मीना कुमारी के बाद दूसरे स्थान पर थी, लेकिन जब नासिर हुसैन ने उन्हें बाहरों से अपने सपने में तख्तलिंग अज्ञात राजेश खन्ना के साथ दुखद भूमिका की पेशकश की तो नंदा रोती बिलखाती भूमिका से थकने लगी थी और उन्होंने भारी फीस मांगी थी। हुसैन ने उनके वेतन मांग को ठुकार दिया और उनकी जगह अपनी प्रेमिका आशा पारेख को कास्ट कर लिया। जब निदेशक विजय आनंद ने हम दोनों में नंदा का भूत निर्देशन किया तो उनके मन में मिश्रित भावनाएं थी। उन्होंने अपनी पत्नी सुषमा से कहा कि नंदा एक अच्छी कलाकार थी, लेकिन उन्होंने यह भी शिकायत की कि वह अपनी दुखद छवि से भटक रही थी और अपनी सह कलाकार साधना शिवदासानी की तरह एक फैशन आइकन बनने की कोशिश कर रही थी। सीएस तालपड़े उनसे संबंधित है। उनके भाई जयप्रकाश कर्नाटक की शादी अभिनेत्री जयश्री टी से हुई थी जो श्रेयस तालपड़े के पिता की बहन है।